खाने के लिए बनाऊंगी और बच्चों के लिए बनाऊंगी। अम्मी क्योंकि सो रही हैं अभी, वो उठेंगी तब उनके लिए नाश्ता बनाऊंगी, अपने लिए और बच्चों के लिए नाश्ता। नाश्ते में मैं आज बना रही हूँ पराठे। यो आप उठ गई हो, क्या लेना है? दूध तो फिनिश हो गया, जो बन चुकी है जो बॉयल हो गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज नायू की स्कूल में जो है वेकेशन पार्टी थी, और कैसी रही आपकी पार्टी आज की? आज बहुत अच्छी थी पार्टी। क्या क्या किया आपने वहाँ पे? स्कूल में पार्क गए थे। पार्क गए थे और गेम खेली टीचर के साथ बोर्ड पे, फिर लंच किया, थोड़ा प्ले किया, दोबारा गार्डन में जाके फिर आ गए। बच्चे में दर्द कर रहे हैं, सारे बच्चे कर रहे हैं, शॉट कर रहे हैं। तो आपको क्या हो रहा है? स्पीना। स्पीना आ रहा है। और अभी क्या कह रहे थे आप? और मेरे सर में पेन हो रहा है। मेरा बेटा स्टडी कर रहा है और सारे बच्चे जो है ना वो शाउट कर रहे हैं, और मेरे बेटे के सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है अभी, है ना? मामा तो मम्मी मैं क्या करूँ? कंट्रोल स्टडी करते हो, स्टडी करते हो, स्टडी करते हो। अरे कहना क्या चाहते हो? स्टडी नहीं करनी आपने, तो क्या करना है बताओ? तो हुआ ये है कि हमारी लाइट चली गई है, और अभी हम नाश्ता कर रहे थे तो हमारी लाइट चली गई है, और लाइट आने का वेट करूँगी। सफाई वाली जो हमारी आंटी हैं वो आज नहीं आ रही हैं, क्योंकि उनके हाथ में कोई मोजा आ गई थी, वो तो तकरीबन 4-5 दिन जितने दिन उनको लगेंगे तब तक जो बाकी के सारे काम हैं सफाइयाँ वगैरह वो करके जाती हैं आके, तो वो भी मुझे करनी पड़ेंगी। तो लाइट आने का वेट करेंगे, लाइट अल्लाह करे जल्दी आ जाए। ये बातें बंद करते हैं हम अब, और मिलती हूँ आप। One hour later. जी तो सफाई वगैरह करके, बच्चों को रेडी करके, ये सारे काम करके, सब कुछ इनमें अब कितने सारे काम होते हैं मैं आप लोगों को क्या क्या बताती, क्या क्या वीडियो शूट करती, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को अपने मुंह से बता दूँ। सफाइयाँ जो नॉर्मल घरों की सफाई होती हैं, किचन का काम, ये वो, फीडर बॉयल करना बच्चों के, बच्चों को रेडी करना, वो तो आपको पता ही है बच्चों की रूटीन क्या होती है, उनको रेडी करना, ये सारी चीज़ें जो हैं सारे काम मैंने डन कर लिए थे। थोड़ा सा व्लॉग इसलिए लेट हो गया, 5 बज रहे हैं अभी, मैं तकरीबन 3-3:30 बजे फारी हो गई थी, थोड़े मेहमान आ गए थे उनके पास बैठना पड़ा इसलिए टाइम लग गया। सोच रहे होंगे कि मैं जो है इस कमरे में वीडियो क्यों शूट करती हूँ, या आप लोग जब भी अक्सर वीडियोज़ में देखते हैं ये वाला कमरा होता है, ये सारा वाला कमरा होता है, ये इस कमरे में मैं इसलिए वीडियो शूट करती हूँ क्योंकि यहाँ तो रोशनी होती है और यहाँ थोड़ा शोर कम होता है बच्चों का। मैं इसलिए इस वजह से इस रूम में आ जाती हूँ और वीडियो शूट करती हूँ। वैसे हमारा ये कमरा बहुत कम यूज़ होता है, ये अनाया के सर जब इसको पढ़ाने के लिए आते हैं वो इधर आ जाती है, नहीं तो फिर जब दिन टाइम अम्मी सो रही होती हैं, दिन टाइम ज़्यादा अक्सर मैं व्लॉग शूट करती हूँ तो दिन टाइम अम्मी थोड़ा सा सो रही होती हैं 1 बजे तक, उस कमरे में नहीं जाती हूँ, बच्चे वगैरह शोर करते हैं तो फिर मैं इधर ही आ जाती हूँ, इसलिए ये वजह है इस कमरे में व्लॉग बनाने की। और दूसरी बात ये है कि इस कमरे में लाइट बड़ी अच्छी आती है। खत्म, बाय बाय, टाटा। मैं इस कमरे में ना जब लाइट आती है तो वीडियो अच्छी बनती है, इसलिए मैं इस कमरे में व्लॉग शूट करती हूँ। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, अब बातें नहीं करते, चले हम सीधा चलते हैं खाना बनाने की तरफ। 1 minute 37 seconds later. Thank you.
कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डालेंगे हम, बस इतना काफ़ी है। अच्छा, इसके बाद जी हम ऐड करें इसके अंदर तकरीबन दो खाने के चम्मच जो है लहसुन अदरक कुटा हुआ, तकरीबन डेढ़ चाय का चम्मच हम इसमें ज़ीरा ऐड कर देंगे साथ ही के ना, लहसुन अदरक डालेंगे तो मिक्स करके साथ ही हमें इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। देखिए तकरीबन हो गया, बस ये काफ़ी है। हम इसमें हाफ के जी चिकन ऐड करके फ्राई करेंगे, तकरीबन दो से चार मिनट या पाँच मिनट तक आपने इसको फ्राई करना है चिकन को अच्छी तरह से, ताकि जो इसकी स्मेल है चिकन की वो ख़त्म हो जाए और जो है ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। तो चिकन फ्राई करते टाइम मैं इसमें एक चम्मच जो है नमक का ऐड कर दूँगी। 5 मिनट मैंने चिकन फ्राई किया है और अब हमने जो टमाटर हैं वो कुछ इस तरह से काटे हैं, आधा किलो चिकन था तो मैंने लिए हैं चार टमाटर, ठीक हो गया। तो इस तरह से आपने जो है टमाटर रख देने हैं उल्टे करके, सीधे नहीं रखने, उल्टे करके आपने दरमियानी आंच करके, ज़्यादा तेज़ आंच में इस तरह से टमाटरों को चिकन के ऊपर रख देना। पानी ही आपने इसके अंदर ऐड करना, टमाटर का पानी खुद को खुद ही जो है वो निकल जाता है, तो पानी हम इसके अंदर अभी नहीं ऐड करेंगे। अच्छा, तो इसको ना हम कवर करके रख देंगे जब तक इसका जो छिलका होता है ना टमाटर का वो हम चेक करेंगे, जब चेक करेंगे कि वो उतर सकता है आसानी से तो हम तब तक के लिए इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। उतरा, हम अब इसको उतारेंगे चिमटे की मदद से, आप इसे उतार लें। हाँ जी, ये देखें जी छिलके इसके हम उतार के साइड पर रख देंगे। हाँ जी, काटनी थी वो भी छिलके जो हैं सबके उतर जाएंगे। तकरीबन हमने इसको ऐसे दो से चार मिनट के लिए रखा था, तो ये टमाटर के जो ये छिलके से थे ये सॉफ्ट हो गए थे, इनको हम उतार लेंगे अब। और इसको मिक्स कर लेंगे छिलके उतार के, और इसको जो टमाटर है ना उनको ऐसे चम्मच की मदद से पीस लेंगे। खजाने भी हो गई हैं अब, और हांडी बना के मैं नमाज़ पढ़ूँगी। देखें इस तरह से टमाटर आप पीस लें, तो हम थोड़ा सा भून लेंगे तकरीबन पाँच मिनट के लिए, हमें इसको भून लेना अच्छे से। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक तकरीबन 42 की छोटी वाली दही की, वो मैंने लिया। आप एक हाफ कप भी ले सकते हैं ना आपके, तो एक प्याली अगर जो है वो आप इसमें ऐड कर दें, नहीं तो हाफ कप जो है वो आप इसमें जो है दही इसमें ऐड कर रहे हैं, तकरीबन आधा सा चम्मच सफ़ेद मिर्च, और ये तकरीबन है ये 7-8 जो है हरी मिर्च हैं ये भी ऐड कर देंगे। लो फ्लेम पे इसको 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। सॉरी, मैं अदरक डालना भूल गई थी, अदरक भी आपने इसके अंदर ऐड करके, ये तीनों चीज़ें सफ़ेद मिर्च सबसे एंड पे और हरी मिर्च और अदरक, ये तीनों चीज़ें ऐड करके आपने इसको कवर करके रख देना जी। तो बहुत मज़े की चर्सी कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। इसको जो मैंने कढ़ाई बनाई है वो है चर्सी कढ़ाई, इस पर एंड पे थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, और ये कढ़ाई आपकी बिल्कुल रेडी है, खाना जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब मैं नमाज़ पढ़ लूँ, मगरिब की नमाज़ काफ़ी लेट हो गई मेरी, तो मैं अब नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद हम खाना खाएंगे और फिर आपसे मिलते हैं। तो खाना छाना हम लोगों ने खा लिया था, किचन वगैरह साफ़ कर लिया है, सारे काम हो गए हैं, और अब बारी है बच्चों को सुनाने की, तो मैंने सोचा इसी के साथ इधर वीडियो को एंड किया जाए। तो ये थी मेरी आज की रूटीन, आई होप आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आई होगी, आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो आप लोगों को आज का ब्लॉग अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड साथ में बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।